जय हिंद जय भारत कार्यक्रम में मुनि इंटरनेशनल स्कूल को मिला RJS स्टार स्कूल का खिताब। 73वें स्वाधीनता दिवस पर राम जानकी संस्थान RJS द्वारा पुरानी दिल्ली स्थित शहीद स्मारक फांसी घर पर श्रद्धांजलि के बाद जय हिंद जय भारत कार्यक्रम का आयोजन। इस मौके पर सुप्रसिद्ध चित्रकार राजा तनेजा की पेंटिंग का लोकार्पण किया गया। वहीं मुनि इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों ने एक से बढ़कर एक गीतों की शानदार प्रस्तुति दी। मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज के सभागार में आयोजित देशभक्ति कार्यक्रम में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के पौत्र अमित आज़ाद, शिक्षाविद डॉक्टर अशोक ठाकुर, कवि प्रेम भाटिया, समाजसेवी अशोक जैन उपस्थित रहे। राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना ने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान RJS स्टार अवार्ड्स, स्टार फैमिली अवार्ड्स के साथ मुनि इंटरनेशनल स्कूल को RJS स्टार स्कूल के खिताब से नवाजा गया। हम लोगों ने शहीद स्मारक देखा, यहाँ शहीद स्मारक है, बहुत ही जो कि जेल हुआ करता था, पुरानी दिल्ली का जेल, वहाँ पे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को खुली हवा में सांस ले रहे हैं। लेकिन हम लोग अगर उनको याद नहीं करेंगे तो हम समझिए कि सकारात्मक सोच नहीं रखते हैं। उदय मन्ना ने बताया कि RJS सकारात्मक भारत मिशन 25 राज्यों में पहुंच चुका है और 105 सकारात्मक बैठकों व 50 लघु बैठकों के माध्यम से देश भर में सकारात्मक का प्रचार प्रसार किया। पीछे वाले लोग तालियां थोड़ी कम बजा रहे हैं, कोई बात नहीं। और जो कद में लंबे हैं वो पीछे हो जाएंगे, पीछे वो बच्चे अभी इधर देख लें। छात्रों के लिए आयोजित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में मुनि स्कूल के छात्रों ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये वाले बच्चे ने कहा था क्या? नहीं, वो